इंतजार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार का ऐलान जल्द हो सकता है और इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी के साथ बैठक की, इसमें मंत्रियों का नाम फाइनल हो गया है। वहीं बीजेपी कैबिनेट विस्तार में कुछ पुराने चेहरों को ड्रॉप कर सकती है। दरअसल एमपी में सीएम मोहन यादव की मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। इस समय सीएम मोहन यादव और दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के भरोसे ही प्रदेश की सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार में अभी मंत्री तो बनाए नहीं गए हैं। वहीं गुरुवार को सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर पहुंचे और शुक्रवार की सुबह से दिल्ली में मुलाकात और बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास मुलाकात की, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी खासी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रियों के नाम पर फाइनल मोहर लग रही है, लेकिन नामों का ऐलान नहीं किया गया है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। और मंत्रिमंडल में किसका नाम शामिल होगा, इन सब पर अब भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। तो खास मुलाकातों का दौर जो है वो दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है। तमाम दिग्गज एक साथ बैठकर इस बात का मंथन कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरों को शामिल किया जाए। गौरतलब है कि पिछले चुनावी के समय जब पूरा चुनावी सिनेरियो हमने देखा, अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी का पैटर्न रहा है चुनाव लड़ने का, वो लगभग सिमिलर ही रहा है, चाहे रणनीति तय करने को लेकर के हो, स्टार प्रचारों को लेकर के हो, और राज्यों में सरकार बनाने को लेकर के हो। पैटर्न लगभग सब जगह एक जैसा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री चुनने को लेकर के भी जो पैटर्न हमने अलग अलग राज्यों में देखा, इसलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को चुना गया है, यानी कुछ नए और कुछ पुराने, इनका पूरा तालमेल बना करके मंत्रियों को चुना जाए, तो ऐसी ही कुछ उम्मीद मध्य प्रदेश में भी की जा रही है। जो राजनीतिक पंडित है और सूत्रों के हवालों से जो जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, माना जा रहा है कि कुछ नए के साथ साथ पुराने चेहरों को शामिल किया जाएगा, लेकिन खास तौर से नए चेहरों को शामिल करने को लेकर के तमाम मंथन किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वाकई में कितने नए चेहरों को बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी कैबिनेट में जगह देती है। और एक और खास फैक्टर जो अभी तक नजर आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि जातिगत समीकरण को साधने की भी कैबिनेट में कोशिश होगी। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों में से अब तक 12 शपथ कल ले लिए गए हैं, शपथ 12 लोगों की ले ली गई है, जिसमें 9 नए विधायकों को शामिल किया गया, जिसमें 5 यानी 4 पुराने और 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया था। इसी तरीके का कुछ फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है और इसलिए लगातार दिल्ली दौरे पर मोहन यादव देखे गए और लगातार उन्होंने बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे ब्रिज गोपाल लोया जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, योगेंद्र सिंह जादौन से प्रवक्ता हैं हमारे साथ कांग्रेस से, और केएस शाइनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले रुख बीजेपी की तरफ ही करते हैं। ब्रिज गोपाल जी, बहुत सारी उम्मीदें इस कैबिनेट से की जा रही है, लेकिन लगातार हमने देखा है कि विपक्ष इसको लेकर के तंज कस रहा है कि इतनी देरी क्यों। देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसको तंज कसना चाहिए और अनावश्यक बातें करना चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, खुद के गिरेबान में कभी झांकेंगे नहीं। आप याद करिए, 2018 में कमलनाथ जी ने 16 दिसंबर को शपथ ली थी और 29 दिसंबर को उनके मंत्रिमंडल ने आकार लिया था और अगला वर्ष 2019 प्रारंभ हो गया था, तब विभागों का वितरण हुआ था।
आज, और जब कमलनाथ अकेले मुख्यमंत्री थे, आज तो मुख्यमंत्री जी के साथ सहयोग करने दो लोगों का मंत्रिमंडल और मौजूद है, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी और उनके साथ जगदीश देवड़ा जी। तो देखिए, यह कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं पूरे गौर से सुन रहा था, आप कह रही थी कि ये संतुलन साधना है, ये संतुलन साधना है। वास्तव में हमें केवल एक संतुलन साधना है कि विकास और जन कल्याण के जिन कामों को हमने हाथ में लिया, जिस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको पूरा करना, और जो चुनाव के संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिए हैं उनको जनता को डिलीवर करना, ये मात्र एक चीज है जिसके लिए हमें मंत्रिमंडल का गठन करना है। और उसका गठन बहुत जल्दी आने वाले 2 दिन में आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है। और एक और आपने इसमें विषय रखा कि जातियों, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश का गरीब एक जाति है, इस देश में किसान एक जाति है, इस देश में नौजवान एक जाति है, इस देश में महिलाएं एक जाति है। तो हमें सभी को प्रतिनिधित्व देना है जिसमें सबको ये भाव रहे, सबको ये एहसास हो कि ये सरकार उनकी है, उनके लिए है, उनके द्वारा है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जो उसका सोच है, उसके अनुरूप सरकार है, और बहुत जल्दी सरकार दिखाई देगी। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर के तंज कसती रही है कि बहुत देर हो चुकी है, जाहिर है बहुत सारी योजनाओं पर काम करना है अभी बीजेपी को, जिनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर लगातार कांग्रेस पोक कर रही है बीजेपी को कि जब तक कैबिनेट नहीं बनेगा तो इन योजनाओं पर काम कैसे शुरू होगा। तो एक प्रतिक्रिया इस पर आपकी चाहूंगी, आज क्योंकि कैबिनेट माना जा रहा है कि बन सकती है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आई है, उस सरकार जिन योजनाओं के दम पर आई है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी की योजना हो या मध्य प्रदेश में जो भी उनके घोषणा पत्र की योजना है, उनके क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने गारंटी दी है। और मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता को गारंटी देकर गए। अब गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार के साथ में जनता के हितों को साधते हुए कार्य करना है, और काम के नाम पर केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्री जी हैं। 2 उप मुख्यमंत्री जी का तो एक लंबा अनुभव है, चाहे जगदीश देवड़ा जी हो चाहे शुक्ल जी हो, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा मोहन यादव जी के रूप में आया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी को के कम अनुभव और कमोत्तर अनुभव होने के कारण उनको सहायक के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री देने का काम किया है। रहा सभी विभागों को, मध्य प्रदेश के तमाम विभागों को संचालित करने के लिए एक कैबिनेट की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को, नए युवाओं को उसके अंदर महत्व देगी, साथ में अनुभव वाले मंत्रियों को भी उसमें महत्व देगी। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्य की योजनाओं को लेकर या राज्य की जनता के हितों को लेकर कुछ चिंतित नहीं है। उनका पूरा मकसद मध्य प्रदेश के अंदर आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को है, और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर कैबिनेट बनाने में इतना लंबा समय लग रहा है, तो गुजारी किसी का किसी तरह से मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। और हम तो इसी लक्ष्य के साथ में खड़े हैं कि आप मध्यप्रदेश में जिन योजनाओं के माध्यम से आए हो, मध्यप्रदेश के तमाम वर्गों को, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, समाज के हर वर्ग को साधते हुए मध्यप्रदेश की जनता के हितों के हिसाब से तमाम कार्यों को क्रियान्वयन करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करे, ये हमारा मकसद है। और यदि इसमें किसी भी प्रकार उत्तरदायित्व के संबंध में भारतीय जनता पार्टी या उसका मंत्रिमंडल जो अभी बना नहीं है, उस किसी भी प्रकार से जिम्मेदार होगा, तो विपक्ष की भूमिका के लिए कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में और सकारात्मक विपक्ष के रूप में अभी भूमिका का निर्वहन करेगी। शायनी जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। शायनी जी, अभी तक आपने बीजेपी से भी सुना और कांग्रेस से भी सुना, क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर बीजेपी के लिए भी इंतजार कर रही हैं, समन्वय बनाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नए पुराने दोनों ही चेहरों को तरजीह देना, और साथ ही कैबिनेट में इस बात का भी ख्याल रखना कि जातीय समीकरण को भी साध लिया जाए, तो बतौर मीडिया एनालिसिस आप किस तरीके से देखती हैं शायनी जी?
निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। आप देखिए कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपने सबसे बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को जो सेंटर में थे, उनको चुनाव में खड़ा किया, और वो जो उनकी स्ट्रैटेजी काम भी आई। आपने देखा होगा कि जो मालवा क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल एरिया है, वहाँ पे सिंधिया जी नहीं आए, लेकिन सिंधिया जी ने अपना पूरा ताकत लगाया था वहाँ पे। आप मालवा, ये बघेलखंड है, और ये सारे रीजन में उनने अपने जो कद्दावर नेता हैं उनको कंटेस्ट करवाया, और वहाँ पूरे एरिया से बीजेपी को बहुत अच्छा नंबर्स में जीत के भी आई है। तो अब उन नेताओं को आपको किस तरह से ओबलाइज करेंगे, उनके जो समर्थक है वो नाराज ना हो, और क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि यहाँ पे सारे सीटें जैसे पिछले बार जीती थी वापस गेन करना है। तो अगर आपने थोड़ी भी कुछ गलती की इसमें तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका असर देख सकता है, और इसीलिए ये देरी हो रही है। और एक बीजेपी का एक और स्टैंड है कि हम यूथ और महिलाओं को इसमें कैसे रिप्रेजेंटेंट दे सकते हैं, जब आप और आपको मंत्रिमंडल भी छोटा रखना है, तो ये तीनों चीजों को आप कैसे एक साथ लेके चलेंगे? आपको जो बड़े नेता है उनको नाराज भी नहीं करना है, और यूथ और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन भी देना है, और चुनाव से पहले आपको ये सब जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करना है। तो इसके चलते बीजेपी जो है एक टाइट रोप वॉक कर रही है, और जिसके वजह से ये मतलब देरी समझ भी आती है कि मतलब कहीं भले देर हो जाए लेकिन कोई नाराज ना हो, समर्थक नाराज ना हो, किसी तरह के फिर उलझन में ना पड़े, योजनाओं जल्दी क्रियान्वयन हो सके। तो इसलिए सेंटर बहुत सोच समझ के मंत्रिमंडल बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है, ब्रिज गोपाल जी, केस शाइनी जी भी यही कह रही हैं कि बड़े यहाँ पर चुनौती बीजेपी के लिए आने वाली है कि समन्वय किस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि एक तरफ जाति समीकरण भी बिठाना है, नए चेहरों को भी तरजीह देना है, पुराने चेहरों को भी तरजीह देना है। और बहुत अच्छा जिक्र उन्होंने यहाँ पर एक और छेड़ा, जो अक्सर कांग्रेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पूछती आई है, कि महिला आरक्षण की बात बीजेपी अक्सर कहती रही है, क्या इसमें वो फॉर्मूला नजर आएगा? क्योंकि उम्मीदें कांग्रेस को भी और बाकियों को भी महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी से है, क्या कैबिनेट में असर दिखेगा? बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सोचने का सवाल है, तो हम कांग्रेस क्या चाहती है उस दृष्टिकोण से नहीं सोचते। हमारा सोचना है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता क्या चाहती है, और उस जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर एक भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमें उस पर खड़े उतरना है। दो शब्द अभी इसमें आए थे, एक शब्द था ओबलाइज करना और एक शब्द था समर्थक। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं होता, वो एक विचार का समर्थक है, वो विचार है अंत्योदय, जिसकी गारंटी मोदी है। उन्होंने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में हम संकल्प पत्र में लिख रहे हैं ये मोदी की गारंटी है, और गारंटी है तो गारंटी है। हम कांग्रेस अभी चिंता व्यक्त कर रहे थे, हमारे 30% आरक्षण का लोकसभा में सपना तो बीजेपी ने ही दिखाया था विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, देखिए उसरा जी, हमने सपना नहीं दिखाया, हमने उसको जमीन पर उतारा है। सपने दिखाने वाले तो पिछले 30 वर्षों से इसका सपना दिखा रहे हैं, और जो उनके अलायंस मेंबर हैं, जिनके साथ उनकी यूपीए की सरकार थी और अब इंडिया अलायंस में साथ हैं, वो लोग बिल फाड़ दिया करते थे, बिल को लेकर भग जाया करते थे, छीना झपटी होती थी, सपना वो दिखा रहे थे। हमने तो उसको जमीन पर उतारने का काम किया है, और ये तय सुनिश्चित किया है कि 2026 यानी जनगणना के नए आंकड़े और नए परिसीमन के उपरांत देश में जो भी चुनाव होंगे उनमें 33% महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन तो हमने सपने नहीं देखा है, प्रदेश राज्य की कैबिनेट में इसका असर दिखेगा कि नहीं, ये सवाल है कांग्रेस। नहीं, मैंने आपसे अक्सर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पूछते आए। देखिए, कांग्रेस क्या पूछती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलती है तो हम थोड़ी झूठ बोलने लग जाएंगे। आपको याद करिए ना, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आकर कह रहे थे कि ओबीसी के लिए काम होना चाहिए, और एक ओबीसी नेता को आगे करने का काम नहीं किया। तो देखिए, कांग्रेस अपने तरीके से काम करती है, और जहां तक महिलाओं का सवाल है तो महिला कल्याण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में हुआ है, वो अपने आप में एक इतिहास है। तो मैं आप जिक्र करना था दो शब्दों पर, एक तो समर्थक और एक ओबलाइज करना। तो ओबलाइज करने का भी कोई सवाल नहीं है, यहाँ कोई लूट नहीं मची है। ठीक है, योगेंद्र जी ये कांग्रेस का जो कल्चर है,
ये जो उनका कांग्रेस का सवाल उनकी कल्चर है पार्टी इसने का ही शब्दों है। को बड़ा बदल उन्हीं के दिया। नेता अक्सर ये पूछते रहते हैं कि महिला आरक्षण का क्या क्या हुआ, जिसका वादा बीजेपी ने 33% लागू करने को लेकर के किया था। जी तो हमने तो योगेंद्र जी, तारीख भी साथ में दी है, हमने तो उस राज्य योगेंद्र जी तारीख भी साथ में दी है। हम केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम हर भारतीय एक जनता मिनट पार्टी कह आपको रहे हैं 30 सेकंड में, तीस कि सेकंड में, तीस सेकंड में अपनी बात खत्म कर ठीक है जवाब ले लेते हैं योगेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी से आप प्रश्न करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में जाकर छिप जाता है। भारतीय जनता पार्टी का हर उत्तर इतिहास की बात करता है। आज वर्तमान की बात करें, आप केंद्र में सत्तासीन है, आपकी केंद्र में पिछले 2-10 वर्षों से सरकार है, आप मध्य प्रदेश की सरकार के संबंध में पूछ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की कैबिनेट के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको उत्तर जी बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उस संगठन के पीछे जो एक संगठन अपना काम करता है वो तय करेगा कि किसको कैबिनेट बनाना है, किसको कैबिनेट नहीं बनाना है, क्योंकि उसी ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का काम किसको देखना है। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को लेकर कभी भी किसी भी तरह से सजग नहीं रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि जो चुनाव होगा उस चुनाव में भी यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है महिला आरक्षण का, तो वो उस पर खरा उतरे। और मध्य प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट के अंदर भी महिलाओं को निश्चित रूप से महत्व दे, तवज्जो दे, ताकि महिला संबंधी लाडली बहना योजना को जो लेकर आए हैं निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं की क्रियान्वयन में महिलाओं की भूमिका निश्चित रूप से सार्थक होगी। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीत सरकार नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करती हुई मध्य प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण के रूप में कैबिनेट से ही प्रारंभ कर दे, तो निश्चित रूप से विधेयक बनना है, जब बनता रहेगा। ठीक है जवाब ले लेते हैं ब्रजगोपाल जी से। ब्रजगोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रजगोपाल जी, देखिए मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के प्रति गंभीर नहीं है। कांग्रेस की गंभीरता देखिए आप, इन्होंने जो परिवार की महिलाएं थी उन्हें तो 100% आरक्षण दिया और देश की महिलाओं को ठेंगा दिखाने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की महिलाओं को आगे रखा, परिवार की महिलाओं को नहीं रखा कि केवल इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को आरक्षण मिलेगा, केवल तीन लोगों को आरक्षण दे, तीन महिलाएं इनको दिखाई दी देश में। मैं फिर से कहता हूं कि आप कहते हैं ना कि अतीत की चर्चा मत करिए, अतीत से आप इसलिए डरते हैं कि अतीत काला है, और हम तो ये कहते हैं आपका वर्तमान भी खराब है और भविष्य बेहद अंधकारमय है जिस तरह का आप नेतृत्व पर काम कर रहे हैं। एक बात और बताता हूं, आप याद करिए हमने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है कि हम 10 दिन में करेंगे कि 4 दिन में करेंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग इस तरह की घोषणा करते हैं। आप याद करिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घोषणा करके गए थे कि 10 दिन में 2 लाख तक के कर्ज माफ हो जाएंगे, 16 महीने सरकार में रहे, 16 महीने बाद आज भी मांग कर रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ, दुर्भाग्य। ठीक है, ऐसी बात का केस शाइनी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। शाइनी जी से जवाब ले लेते हैं। शाइनी जी, क्योंकि समन्वय बनाने को लेकर के सवाल आपकी तरफ से आया था, समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए भी होने वाला है क्योंकि 2018 में हमने देखा कि सिंधिया समर्थकों को बहुत ज्यादा तरजीह पिछले कैबिनेट में दी गई थी, नए चेहरों को भी, क्योंकि बाकी के राज्यों में हमने पैटर्न देखा है, एक ही पैटर्न पर अभी तक बीजेपी चलती आई है, तो छत्तीसगढ़ में भी नए चेहरों को तरजीह दी गई है। इधर नए चेहरों को भी तरजीह देना, पुराने चेहरों को भी तरजीह देना और सिंधिया समर्थकों को भी तरजीह देना, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल भी रखना कि जाति समीकरण भी बिठा लिया जाए। एक और जो आपने बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण छेड़ा कि महिला आरक्षण का भी अब बीजेपी को ख्याल रखना है, तो कितनी और चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है? ये जो चैलेंजेस है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, बीजेपी के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्षेत्र का, जाति का समीकरण और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना, यूथ को रिप्रेजेंटेशन देना, उसके साथ ही अपने मिनिमम गवर्नेंस की जो बात बीजेपी कहती है, तो कैबिनेट को छोटा रखना, तो ये 3-4 चीजें जो आप साथ में करते हो तो या तो आपका क्षेत्र और जाति समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। अब जैसे आपने ही कहा सिंधिया जी के जो समर्थक है उनको कैसे एडजस्ट करोगे, जो एमपी और मंत्री है जो सेंटर से छोड़ के आए हैं वो काफी सीनियर हैं, उनको भी बहुत इस अगर पोस्ट देते हैं तो आपको बहुत एक डिसेंट पोस्ट देना पड़ेगा, तो ये सब किस तरह से मैनेज होगा? जो यूथ आएंगे उनको, जो नए आएंगे, नए यूथ हैं पहली बार आ रहे हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो उनको किस तरह से आप इसके साथ जोड़ोगे?
तो एक पुराना और नया इन सब का जो बैलेंस बना के चलना है, और इसी वजह से देर हो रही है। और दूसरे में ब्रिज गोपाल जी से एक छोटा सा मेरा सवाल है, आपने कहा कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं और बिल्कुल सही बात है, और आपने पास भी किया, जब बिल पास हो गया है, पर इस बार चुनाव जो हुआ तो कैंडिडेट्स को जो टिकट्स दिए गए उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम था। तो अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते तो महिलाओं को 30% रिजर्व, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं थी वहां पास होने का, आप ऐसे भी दे सकते थे, तो नहीं हुआ। अब आपको कैबिनेट में अगर आपने दिया रिप्रेजेंटेशन, तो कम से कम ये एक रिफ्लेक्ट होगा कि आप लोग आपने जो बिल पास कराया उसके प्रति सिंसियर है। गोपाल जी, शाइनी जी का सवाल। जी, शैली जी का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, और निश्चित इस प्रश्न का उत्तर प्रदेश की और देश की महिलाओं को मिलना चाहिए। देखिए, 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में दिया गया और 33% विधानसभाओं लोकसभा में दिया गया, और उसको लागू करने में 5 साल का गैप रखा गया, और उस गैप को रखने का वास्तविक कारण इतना था कि हम इस तरह का महिला नेतृत्व विकसित कर सके। मैंने अभी आपसे कहा था, हमें परिवार की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो जो आम महिलाएं हैं उनमें नेतृत्व विकसित करना, और उस विकसित नेतृत्व के साथ 2028 में या उसके बाद होने वाले प्रत्येक चुनाव में उन्हें 33% आरक्षण के साथ उनका प्रतिनिधित्व देना। और जहां तक उदाहरण की बात है, तो मैंने आपसे कहा था, याद करिए, 2003 तक मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 911 बेटियों तक पहुंच गया था, जो वापस सुधर कर 974 बेटियों पर आ गया है। तो काम बोलता है, काम दिखाई देता है, और हम जिस संकल्प को लेते हैं अपने हाथ में उस संकल्प को पूरा करते हैं। हमारी 5 पीढ़ी पहले लोगों ने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को हम आज भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी का यह जो सिद्धांत है, वही तो उसे बार बार चुनाव में विजय दिलाता है। उसी के कारण तो जनता आकर्षित रहती है, उसी के कारण कार्यकर्ता में, क्योंकि समय की कमी है। योगेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं। योगेंद्र जी, शाइनी जी ने जो सवाल पूछा गोपाल जी से, जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया, कितना इत्तेफाक आप उनके उस जवाब से रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व के पीछे पर्दे से जो खेल चलता है, वो खेल यही है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी के इतिहास को लेकर ही अपनी बात करती है, जब भी बात आती है आपको परिवार नजर आता है, आपको परिवार का बलिदान नजर नहीं आता है, आपको माँ इंदिरा की शहादत नजर नहीं आती, राजू जी की शहादत नजर नहीं आती है, आपको नेहरू जी नहीं आते हैं, आपको केवल बिहार के गांधी पोतने का काम आप केवल करते हैं। आप जरा सोचिए कि आपके पास परिवार ही नहीं है, आपके पास गौरव ही नहीं है, आपके पास अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कमजोर है, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आपका कोई अपना स्वयं का भी कोई इतिहास बने, आपके पूर्वज आपके वंशज इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। आपकी पार्टी से जुड़ा एक सवाल आपसे चाहूंगी योगेंद्र जी, अक्सर आपके नेता सवाल सुन लीजिए योगेंद्र जी आपके नेता अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि सिर फुटावल की स्थिति अब बीजेपी में निर्मित होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 में सिंधिया समर्थकों को तरजीह दी गई थी, इस बार 23 में बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, और सरकार चलाने में बहुत सारी मुश्किलें बीजेपी को होने वाली है, क्यों आपके नेताओं को लगता है? आपकी जुबानी जानना चाहेंगे योगेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंधिया समर्थक की जो पहचान बन के आई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी से गई है। कांग्रेस पार्टी का एक पूरा धड़ा आपने किसी न किसी छीनकर अपने पास कर लिया, वही भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात हिंदुस्तान में करती रही है। आप देखिए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम कर रहा है, तो सिंधिया समर्थकों को समर्थन देना पड़ेगी। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन, अंतिम रिएक्शन ब्रिज गोपाल जी, आपसे, क्योंकि समय की कमी है। देखिए, मैं केवल इतना सा रिएक्शन कहना चाहता हूँ कि कोई सिंधिया समर्थक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। और एक बात और मैं इनसे कह दूं, जो अभी क्या है, चेहरों को कितना प्रेफरेंस मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चेहरों को, मैंने आपसे फिर कहा था कि चेहरों को नहीं प्रेफरेंस मिलता है, हमें अपने काम को प्रेफरेंस मिलना है। और कोई भी कार्यकर्ता, आप मुझे बताइए ना कि किसी कार्यकर्ता ने कभी भारतीय जनता पार्टी के पास अविश्वास जताया हो, तो ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप बताएं, क्योंकि हम तो विचारधारा और कार्यकर्ता। छोटा सा जल्दी से रिएक्शन शाइनी जी से, समय की कमी है जी। शाइनी जी,
सवाल है आपसे, आप तो बता दीजिए आपका कैबिनेट कब तक फॉर्म हो जाएगा? आपको आवाज आ रही है? चलिए संपर्क शायद टूट गया है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शाइनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बृजगोपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।